सारे अहले सुन्नत हजरत अख्तर ज़ियाउद्दीन कपूरी से बहुत उम्दा कलाम आपने में सुना है। सारे अहले सुन्नत हजरत एहसान शाह की तशरीफ रखते हैं। कुछ कलाम पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ मुलाहिज़ा कर लें। यही कलाम पढ़िए ना। अच्छा, आज जो आपका मिजाज है उसी मिजाज में कलाम पढ़ा जाएगा। सिर्फ पांच शेर में पढ़ता हूँ, वक्त बहुत कम है। अगर आपने बोल दिया तो मक्ता भी पढ़ा जा सकता है। छह शेर से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा जी। अच्छा मोमिन वो है जो अपने साथ साथ दूसरे का भी ख्याल रखता है। जी वाह 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 कभी बेला महकता है। आपको यही ना बोलना था सुभानअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि महफिल शरीफ का जलसा सही होता है जैसे आप सुन रहे हैं? बिल्कुल ताजा तरीन कलाम आप तक पहुंच रहा है। हमारे मुख्तार भाई जलालुद्दीन साहब और इस्माइली एजेंसी, जितने एजेंसी वाले लोग बैठे हुए हैं, सब लोगों ने कहा कि कुछ नए तेवर बस मैं पढ़ता हूँ, सुने। कभी बेला महकता है, कभी जूही महकती है। कभी बेला महकता है, कभी बेला, कभी बेला महकता है, कभी जूही महकती है, जूही महकती है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। कभी कभी बोलना चाहिए। कभी बेला महकता है, कभी बेला महकता है, कभी जूही महकती है, कभी ऐसे नहीं। सब लोग हाथ उठाइए। नारे तकबीर लहरा के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुरसे हलीमी, तौकीर रजा इलाहाबादी, जमशेद साहिल बरेली शरीफ। नहीं ये तो ठीक ही है। सही बात यह है कि जब आप लोग पढ़े लिखे लोग के अंदर बेदारी नहीं आएगी तो कोई भी कुछ कर सकता जी। इन लोग के अंदर दीवाना है तो कुछ भी। दीवाना का काम तो कुछ ना कुछ है ना। बिल्कुल सब काम सबसे होता भी नहीं है। हसनैन भाई थोड़े ना दिल्ली से आए हुए हैं तो। कभी बेला महकता है। आवाज बुलंद हो जरा, आवाज बुलंद हो, मुस्तफा के नाम पे हाथ भी उठे। कभी बेला महकता है, कभी जूही महकती है, कभी बेला महकता है,
मदीने से हवा आती, मदीने से हवा आती है तो दिल्ली महकती है। मदीने से हवा आती है तो दिल्ली महकती है। और कदम राखे कदम राखे थे मेरे मुस्तफा 1400 सदी पहले। कदम राखे कदम रखे थे मेरे मुस्तफा 1400 सदी पहले। कदम रखे टेबर है आपका बोलने का। कदम रखे और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। कदम रखे मेरे मुस्तफा 1400 सदी पहले। कदम रखे कदम रखे थे मेरे मुस्तफा 1400 सदी पहले। एक और अच्छा शेर सूरह अहले सुन्नत के हवाले से पढ़ता हूँ, आप लोगों के साथ सुन लें। नमाज़े खुद अदा करते नमाज़े खुद अदा करते थे उस में सैयद क़िबला की मौजूदगी है। शेर पढ़ता हूँ सुने। नमाज़े खुद अदा करते थे उस में सैयद आलम। नमाज़े तो इतनी मस्जिद नबवी महकती है। मदीने से हवा आती है तो दिल्ली महकती है। हर एक सुन्नी की खातिर मौसम
हर एक सुनने के खाक मौसम त्योहार होता है, त्योहार होता है, त्योहार होता है, हर एक सुनने के खाक मौसम त्योहार मेरे में छठी महकती है। आखिरी शेर, आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ मिलाया जा करने जो वादा किया था, चार शेर पढ़ चुका हूँ, सुनिए। दुरूदों की फजीलत का नकीबुल मुल्क उस्ताद शुरा हज़रत अल्लामा महबूब गौर इस्लामपुरी के हवाले से शेर पढ़ा जा रहा है। आखिरी शेर मैं पढ़ता हूँ, मुखिया मुश्ताक साहब आखिरी शेर आपकी तरफ से पढ़ा जा रहा है, सुनिए। आप भी इसी इंतजार में और हम भी आप ही के इंतजार में थे जी। दुरूदों की फजीलत का लगा, दुरूदों की फजीलत का लगाए कौन अंदाज़, दुरूदों की फजीलत का लगाए कौन अंदाज़ा, कौन जोर से बोलिए ना, कौन अंदाजा दुरूदों के, दुरूदों की फजीलत लगाए कौन अंदाजा। दुरूदों की फजीलत का लगाए कौन अंदाज़ा, दुरूदों के फजीलत का लगाए कौन अंदाज़ा, दुरूद पाक पढ़ के शहद की माखी महकती है, दुरूद पाक पढ़ के शहद की माखी महकती है, मदीने से हवा आती है तो तितली महकती है, करम सरकार सुरकाहे तौकीर है हम पर, करम सरकार सुरकाही। एक बार पूरा मजमा सरकार तेगली के नाम पर दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए ना, सुभान अल्लाह। करम सरकार सुरकाही का तौकीर है हम पर, करम सरकार सुरकाहे
महकती है हमारी फन हमारी शाहरी से फन किया बादी महकती है कभी बेला महकता है कभी जूही महकती है मदीने से तो दिल्ली महकती है मगर गारे राखिया